न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। जैसे ही ईद उल अजहा का त्यौहार करीब आता है, वैसे ही मुस्लिम समाज में मानो खुशियों के साथ बकरे भी चर्चा का विषय बन जाते हैं। मंदसौर और भोपाल के बाद अब उमरिया के नौजवान तहसील के बिंध्या कॉलोनी का एक बकरा इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बकरे की कीमत 40 लाख रुपए लग चुकी है, लेकिन बकरा मालिक ने इस बकरे की कीमत 1,20,00,000 रुपए रखी है। 1 साल 3 महीने के इस बकरे को दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं बकरा मालिक का कहना है कि यह बकरा जिसकी किस्मत में होगा उसी के पास जाएगा। इसे देखने के लिए लगातार लोगों की भीड़ जुट रही है। ईद उल अजहा में अभी वक्त है, लेकिन पूरे जिले में चर्चा का विषय बने इस बकरे का वजन 1 क्विंटल 3 किलो है। बकरे के मालिक मोहम्मद फारूक और बिंध्या मस्जिद के इमाम मोहम्मद जावेद खान अशरफी के मुताबिक इस बकरे के कान के नीचे मोहम्मद साहब का नाम लिखा हुआ है, जो मुस्लिम समुदाय के नबी का नाम है, जो बहुत पाक और मुबारक होता है। इसीलिए इस बकरे की कीमत 1,20,00,000 रुपए रखी गई है। हाँ, मस्जिद में इमामत करता हूँ, मैं एक आलिम हूँ। साहब आली जनाब फारूक साहब के यहाँ एक बकरा है, इन्होंने मुझे बुलाया कि मेरे बकरे के कान के पास कुछ लिखा हुआ है, आप ज़रा पढ़कर बता दीजिए। जब मैं आया तो देखा इस बकरे के कान के पास, देखिए आप भी, तो यहाँ पास साफ साफ लफ्ज़ों में लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा है, यानी हमारे नबी का नाम लिखा है। देखिए मीम बना है, ये मीम के बाद फिर हा बना है, हा के बाद फिर मीम है, फिर ये दाल है। तो इससे पूरा साफ जाहिर हो रहा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। हज़रात, बड़ी खुशी की बात है कि कुर्बानी के जानवरों पर हमारे नबी का नाम आ जाए। तो जानवर तो इंसान लेता है तो सोचता है प्यारा से प्यारा जानवर मिले, तो जिस जानवर पे नबी का नाम लिखा हो, कितनी प्यारी बात है। बकरा मैं बचपन से पाला हूँ, उनकी माँ थी, उससे बच्चा पैदा हुआ, तो उसको पाला मैं 1 साल से, उसको रख रहा हूँ, पाल के रखा हूँ। और उसमें बीच में ऐसे मैं देखा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं हाफिज साहब को बुलाया, इमाम साहब को, तो उन्होंने पढ़ के बताया कि इसमें मोहम्मद लिखा हुआ है। तो मैं बोला कि मोहम्मद लिखा हुआ है, तो बोला हाँ। तो मैं उसमें कई लोगों से बताया तो उसका कीमत रख दिए 40 लाख। तो मैंने बोला कि मैं और इसको अभी रोक के रखूंगा, जिसके किस्मत में होगा वो जाएगा, मैं इसे दाम रखा हूँ 1 करोड़। अब देखना यह होगा कि यह बकरा किसकी किस्मत में होगा, यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।